हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं नहा चुकी हूँ। बस अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और मेरी मायरा उठ चुकी है। नायरा नहीं उठी है अभी, तो ठीक है, बाय। अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। गिंगी, गुड मॉर्निंग। गिंडित, गुड नाइट। नहीं, गुड मॉर्निंग। पुच्ची कर दो। थैंक यू। अभी हम थोड़ी देर में मिलेंगे, बोल। बाय बाय। उसके बाद मैं अपना पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं दो दिए जलाती हूँ। एक जलाती हूँ मैं तिल के तेल का और एक मैं जलाती हूँ देसी घी का। तो तिल का जो तेल होता है, उसका जो दिया जलाने का पर्पस ये होता है, कहा जाता है कि जो हमारे शत्रु होते हैं, हमारा जो बुरा चाहते हैं उनका नाश होता है, और हमारे जो देवी देवता होते हैं उससे वो प्रसन्न होते हैं। और देसी घी का दिया जलाने का पर्पस ये होता है, ये कहा जाता है कि हमारे घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है, धन की वर्षा होती है। तो ये मैंने ऐसी ऐसी बातें पढ़ी हैं, तो मैं सब फॉलो करती हूँ। और आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी मर्ज़ी जलाना चाहें, जिससे भी जलाना चाहें, तेल का, घी का और सरसों का तेल, जो भी आप जलाना चाह सकते हैं आप जला सकते हैं। और जो मैंने तेल इस्तेमाल किया था वो मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ अमेज़ोन से। वो मैंने यूज़ किया है पीताम्बरी का दीपशक्ति तेल, जो कि 170 का 900 ml आता है। और इसके साथ एक धूपबत्ती का पैकेट भी आता है। और जो मैंने अगरबत्ती यूज़ करी है वो भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी है अमेज़ोन से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये है साइकिल ब्रांड का 4 सीजन्स। इसमें 4 सीजन्स के हिसाब से हमें मिलती है अगरबत्तियाँ अंदर, और इसके अंदर ही हमें वो भी होता है जो इसका होल्डर होता है ना वो। और आप देख सकते हैं जैसे इसकी पैकेजिंग, इसका जो मतलब डब्बे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने विंटर्स चल रहे, तो मेरा विंटर्स वाला ख़त्म हो चुका है। मैंने न्यू जब मंगाया था विंटर्स चल रहे थे उस टाइम पर, और उसके बाद मैंने ऑटम वाला भी खोल दिया था, क्योंकि मुझे ऑटम वाले की फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ऑटम वाला भी खोल दिया था। और अभी बचा हुआ है समर, जो कि मेरा बिल्कुल सील्ड है। और उसके बाद मेरा बचा था स्प्रिंग वाला। और आप इसके साथ देख सकते हैं इन्होंने इंटेंस होल्डर भी दे रखा है, जो कि वो पैकेट के अंदर ये वाला होल्डर है जिसमें इंटेंस होल्डर लिखा है, उसके अंदर ये होल्डर है जिसमें आप अपनी अगरबत्ती उसमें अटका सकते हैं। इसकी फ्रेगनेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छी है, मतलब हल्की हल्की धीमी धीमी, इतनी अच्छी आती है खुशबू इसकी। और इसके ये यूट्यूब पे भी इसका अकाउंट, और ये मैं कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये मैं अपना ही रिव्यू दे रही हूँ जो मुझे मतलब पसंद है ये अगरबत्ती, तो मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को नहलाने के लिए आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी बेटियाँ कितनी मस्त होकर नहा रही हैं। वो मायरा अपनी डक को नहला रही है साथ साथ, और नायरा को देखो कैसे नहा रही है, अपने आप नहाती हैं ये, मेरे को नहलाने नहीं देती हैं। मैं लास्ट में इनको, जब इनकी पूरी मस्ती हो जाती है उसके बाद मैं इनको नहलाती हूँ, पहले इनको मस्ती करने नहीं देती हूँ। किसी कर लो, एक दूसरे को किसी कर लो। इसके बाद मैंने वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर दी थी, क्योंकि इन दोनों को रेडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और वीडियो इतनी लंबी होती चले जाती है। और आप देख सकते हैं मेरा बेड पूरा फैल गया है, क्योंकि वो कपड़े वॉश करके तय करके रखे थे और इन्होंने सारे ख़राब कर दिए हैं। और अब आप इनको देखना अभी रेडी होने के बाद। ये कौन है? एक कौन है? ये कौन है? हाय हाय हाय।
नहाने के बाद थोड़ी सी नायरा चिड़चिड़ी हो गई थी, उसे भूख लग रही थी, तो मैंने उसे दूध दिया। उसके बाद ये अभी मायरा जो है वो अपने पापा के साथ मस्ती कर रही। जैसा कि आप देख रहे हैं नहाने के बाद बच्चों को नींद आती है, तो मायरा को भी अभी नींद आ रही है और मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी और उसके पापा उसके साथ खेल कर रहे हैं। मायरा को मैंने सुला दिया, उसके बाद मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ पोहा, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। और उसके लिए हमें चाहिए राई, कड़ी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, ये हमें तड़के के लिए चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए प्याज चॉप करा हुआ, टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, गाजर और मटर, ये सब मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था। और आप चाहें तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैं शिमला मिर्च नहीं डाल रही हूँ। और हमें चाहिए हाफ़ लेमन। जब हम लास्ट में बना लेंगे, हमारा पोहा जब रेडी हो जाएगा, तो हम उसमें हाफ़ लेमन उसमें स्क्वीज़ कर देंगे। और उसके बाद मैंने ली है एक आयरन की कढ़ाई, आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई बेस्ट लगती है काम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी होती है। और उसके बाद मैंने लिया है पोहा। आप अपने मेंबर्स, जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, उसके हिसाब से आप पोहा लें, और मेरे को इतने काफ़ी थे तो मैंने इतने लिए। उसके बाद आप 3-4 पानी से उसे अच्छे से वॉश कर लें। मैंने आपको एक बार के पानी से वॉश करके दिखाया है, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जानी थी। और उसके बाद आप इसको अच्छे से ऐसे ड्रेन कर लें। पोहे को वॉश करें तो बिल्कुल हल्के हाथों से वॉश करें, जिससे कि आपका पोहा खिला खिला बने और टूटे ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पोहे जो हैं वो कितने खिले खिले दिख रहे हैं। और मैं अब लगाऊंगी पोहे के लिए तड़का। सबसे पहले मैंने डाली है राई। ये मेरे हस्बैंड के काम है, मुझे रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। अब मैंने डाला है उसमें अदरक, कद्दूकस करा हुआ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च कटी हुई, उसको बीच में से हम काट लेंगे। उसके बाद मैंने डाले हैं कड़ी पत्ते और इसको हम भून लेंगे। इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, मैंने मूंगफली नहीं डाली है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ चॉप करी हुई प्याज। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मटर और गाजर। गाजर को अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद उसे कट करें। मैंने पहले से ही अपनी वेजेस रेडी करके रखी थी कट करके। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां पक जाएं। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। और जब थोड़ी सी हमारी सब्जियां पक जाएंगी, तो उसके बाद हम टमाटर डाल देंगे। मैंने एक टमाटर का इस्तेमाल किया है और उसका बीज निकाल लिया था। अब जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है, तब तक हम पोहे को देखते हैं। पोहे में मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी मैं डालूंगी चीनी, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी वेजीज पक चुकी हैं। हमें 70-80% ही हमें वेजीज को अपने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा क्रंचीनेस रहना चाहिए। और उसके बाद में हम अपने जो हमारे पोहा है, हम उसे मिक्स कर देंगे उसमें, और बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, जिससे हमारा पोहा टूटे ना, खिले खिला बने। और जब हमारा पोहा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद रेडी है वो, उसमें हम हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा पोहा रेडी है, बिल्कुल झटपट रेडी होता है ये। और ये एक टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना है और आपके घर में पसंद आया कि नहीं आया। मेरे घर में तो इसे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़रूर बनाती हूँ इसे। और गाइस, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरी मदर इन लॉ स्पेशल मेरे लिए बना के लेके आए थे ड्यूटी से आते वक्त,
क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि ये देखिए शिमला की रोड्स जो कि टूरिस्ट से भरी रहती हैं वो रोड्स खाली पड़ी हैं बिल्कुल, स्पेशली कोरोना वायरस की वजह से। तो हम यही शेयर करना चाहते हैं कि गाइस आप अपने अपने घर पे सेफ रहें, क्योंकि बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अपने घर के अंदर सेफ रहें और कहीं भी बाहर ना जाएं, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो आप अपने आप को भी सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने आप को बचा के रखें। और बस आज की वीडियो इतनी ही, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।